अयोध्या में 22 जनवरी को होने वाली राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा समारोह के निमंत्रण पर सभी लोगों को भेजे जा रहे हैं। साथ ही कांग्रेस की सोनिया गांधी और खड़गे को भी निमंत्रण पत्र भेजा गया था, जिसे उन्होंने अस्वीकार कर दिया। वहीं उनके इस फैसले से चारों तरफ उनकी आलोचनाएं शुरू हो गई हैं। इसी क्रम में हरिद्वार में नागरिकों ने कहा कि कांग्रेस की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। वहीं हरिद्वार के पूर्व मेयर मनोज गर्ग ने कहा कि कांग्रेस को राम सेतु की नहीं जानती, जो राम को जानते हैं वो इसका सम्मान कर सकते। हरिद्वार से नरेश तोमर की रिपोर्ट। कांग्रेस की उल्टी गिनती तो काफी पहले से शुरू है। वर्तमान में जो कांग्रेस है ये अपने अस्तित्व को खत्म करती जा रही है, यहाँ तक कि जो हमारे प्रिय नेता राहुल गांधी जी हैं उनके अपने कहे हुए भाषण विचार अपने तक ही सीमित रखते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा है, राम काज करे बिना मेरे को आराम नहीं है। एक वो देश का सेवक, दूसरी तरफ जो अभी आपने बताया, तो ये लोग तो वो लोग हैं जो राम सेतु का विरोध करते थे। इनको यही पता नहीं है राम सेतु का मतलब क्या है। राम सेतु नहीं, राम से तू है, पहले राम है बाद में तू है। ये उस फिलोसफी को जानने के लिए इस देश का, यहाँ के जो संस्कार है और जो इसकी संस्कृति को जानना होगा, तो इसमें तो यही कहा जा सकता विनाश काले विपरीत बुद्धि। बधाई देना चाहूँगा कि 500 वर्ष बाद जो राम जी हमारे मंदिर बन रहा है, जिसका इंतजार सबको था। देखिए, ये इनकी मानसिकता शुरू से ही ऐसी रही है कि मंदिर वहीं बनाएंगे पर तारीख नहीं बताएंगे। तो जो काम ये नहीं कर पाए, अब वो काम हो रहा है और ये पूरे देशवासियों के दिल का जो एक अरमान था वो आज पूरा हो रहा है।